Hello everyone, today our topic is data analysis and security of data in Microsoft Excel. So this video is going to be a little bit longer than others because we will be covering many topics like sorting, filtering, condition formatting, charts, pivot tables, what if analysis and analysis toolpath. So for this purpose, we first have to learn that what is meant by data analysis. Data analysis is actually how you analyze the data, and after analyzing it, how you interpret the data in manageable form, how you present the data in manageable form after analyzing the data. It means that you first have to analyze the data and then you have to present it in manageable form by applying these such filters and functions. So come, let's go for it. टाइम बचाने के लिए मैंने ये डाटा क्रिएट कर रखा था पहले से। अच्छा, तो अब आ जाते हैं सॉर्टिंग पे। सबसे पहले अगर मुझे सॉर्टिंग अप्लाई करनी है, मैं क्या करूँगा कि मैं डाटा पे जाऊँगा, डाटा के टैब पे जाऊँगा और मैं फॉर एग्जाम्पल मार्क्स पे मैंने क्लिक किया और मैं सॉर्ट पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने सॉर्ट पे क्लिक किया तो वो मुझसे पूछ रहा है कि सॉर्ट आपको करना है तो किस कौन सी वैल्यू के हिसाब से करना है। तो मैंने बता दिया कि भाई ये स्टूडेंट्स हैं, ये इनके जेंडर हैं और ये इनके मार्क्स हैं, इनके क्रेडिट्स हैं। तो मैंने कहा कि इनके मार्क्स के हिसाब से उनकी सॉर्टिंग कर दो। सही, मार्क्स पे मैंने क्लिक किया, जाहिर सी बात है वैल्यू भी होनी चाहिए, सही है, कोई फॉन्ट कलर या आइकन वगैरह ना हो। और हमें जो सॉर्टिंग करनी है वो स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट पे जानी है। जाहिर सी बात है सॉर्टिंग इसीलिए करते हैं कि कभी स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट जाना हो या लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट जाना हो तो हम सॉर्टिंग अप्लाई करते हैं। तो सॉर्टिंग अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, ओके कर देंगे। तो ये देखो आपके पास डाटा स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट हो, सही। तो उसी के रिस्पेक्ट से हमारे पास जेंडर भी चेंज हो गए, ग्रेड्स भी चेंज हो गए और क्या कहते हैं स्टूडेंट नेम भी चेंज हो गए। अच्छा, अब हमें फॉर एग्जांपल फिल्टर अप्लाई करना है। मैं क्या करूँगा, फिल्टर पे क्लिक करूँगा तो वो मुझे फिल्टर अप्लाई करने का ऑप्शन देता है। अब जैसे मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ जेंडर दिखे मेल्स का, फीमेल्स का नहीं, सही है, मुझे सिर्फ मार्क्स वगैरह स्टूडेंट नेम ये सब दिखे मेल्स का, सही है, और फीमेल्स का नहीं दिखे। तो मैं क्या करूँगा, फीमेल को अनचेक करा और मेल को चेक रहने दिया और ओके कर दिया। तो मेरे पास सिर्फ मेल के स्टूडेंट नेम, ग्रेड्स आ गए, सही है। इस तरीके से हमने क्या अप्लाई कर दिया, फिल्टर अप्लाई कर दिया। अच्छा, ये हो गया फिल्टर हमारा। सिमिलरली हम ग्रेड्स के हिसाब से भी अप्लाई कर सकते हैं, सही है, और मार्क्स के हिसाब से भी और स्टूडेंट के नेम के हिसाब से भी, किस तरीके से भी हम चाहें। तो ये हो गया हमारा फिल्टर अप्लाई। उसके बाद आते हैं हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग। जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैंने इसको चूज़ किया सिर्फ, सही है, और मैं गया टैब पे और इधर कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अच्छा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग अब बहुत तरह की होती है, सही है। जैसे मैं देखा था मुझे डेटा बेस, अब इन मार्क्स को वो ऐसे फॉर्मेट करके पेश करेगा कि आपको देखना नहीं पड़े, ज़्यादा एनालाइज नहीं करना पड़े कि कौन सा डेटा छोटा है, कौन सा डाटा आपस में पड़ा है, मतलब आपस में कंपेरिजन होंगी इस तरीके से। ये बता रहा है कि 75 सबसे छोटा, फिर 79 बड़ा, फिर 85 उससे बड़ा, फिर 88 और फिर सबसे बड़ा 90। तो आपको ज़्यादा एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। सिमिलरली आप कलर को चेंज ऐसे करके देख सकते हैं, सही है, इससे थोड़ा हमें मजीद कम्प्लीट वाजे हो रहा है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा 90 है, सही है। तो हम डेटा पार्ट्स में ये करते हैं। अच्छा, फिर आ जाते हैं आइकन सेट पे। आइकन सेट मतलब हमें ये बता रहा है कि वो एक खुद ब खुद रेंज सेलेक्ट कर लेता है। ये देखिए उसने एक रेंज सेलेक्ट कर ली कि 75 और 79 जो है वो छोटे नंबर हैं, तो इसलिए उसने डाउन की तरफ एरो बना दिए, और 85 जो है वो एक मिडिल नंबर है, इसलिए उसने राइट साइड की तरफ एरो बनाया, और 88 और 90 जो है वो ग्रेटर वाले नंबर है, तो उन्होंने अपर की तरफ साइन बनाया। तो आइकन इस तरह से उसको शो करवा दिए। फिर आ जाते हैं, हाँ ये वाली चीज़ इम्पोर्टेंट है। अब आपको फॉर एग्जांपल टॉप 3 ऐसे डेटा लेने हैं आपको, सही है,
तो मैं क्या करूँगा, टॉप 10 आइटम्स पे क्लिक किए, और मैं चाह रहा हूँ कि वो डेटा मेरा लाइट रेड कलर से फिल हो जाए। कौन सा डेटा? जितने मैं अप्लाई करूँगा, जैसे मैंने कर दिया इन इन सिलेक्टेड मार्क्स के कॉलम्स में से 3 वो वाले मार्क्स सिलेक्ट हो जाएँ जो सबसे हाईएस्ट है, इन इन सब में जो सबसे हाईएस्ट हैं वो ऐसे 3 सिलेक्ट हो जाएं, और उनको शो किस तरीके से कराया जाए, लाइट रेड फिल कलर से। सही है, तो मैं जैसे ही ओके दबाऊंगा तो सिर्फ उन पे लाइट रेड कलर आना चाहिए जो टॉप 3 डेटा है हमारे पास। मैंने ओके किया तो मेरे पास टॉप 3 डेटा आ गया, टॉप 3 डेटा पे रेड कलर हो गया, लाइट रेड। सही है, ये हो गई हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग। और भी बहुत तरह की कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप अप्लाई करके देख सकते हैं। अच्छा, कलर स्केल्स ये हैं इस तरीके से कि मैं जब इस पर सेलेक्ट करूँगा यूँ करके, तो मैं जब सेलेक्ट किया तो वो कलर्स के हिसाब से अलग अलग नंबर्स को डिफाइन कर, 75 डार्क रेड, फिर 79 लाइट रेड, फिर 85 येलो, 88 लाइट ग्रीन, 90 डार्क ग्रीन, इस तरीके से उसने कलर्स की बेसिस पे नंबर्स को डिफाइन किया। सही, अच्छा ये हो गया हमारे पास। अब हम चाह रहे हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो गई हमारी, हमारे पास हमारी सॉर्टिंग हो गई, फिल्टरिंग हो गई, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो गई, चार्ट्स किस तरीके से अप्लाई किए जाते हैं। अब मैं बोलूँ कि मुझे इन सारे डाटा का एक चार्ट के फॉर्म में आंसर चाहिए, मैं क्या करूँगा, इंसर्ट में जाके जैसे मुझे पाई के फॉर्म में आंसर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, पाई पे क्लिक कर दिया मैंने, तो वो मुझे 1, 2, 3, 4, 5 डेटा है ना हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5 डेटा है ना, तो उसने 5 अलग अलग कलर में उनके आंसर शो करवा दिए। वो बता रहा है कि जो पहले नंबर पे है वो कौन सा है, ब्लू, फिर ब्राउन, फिर हमारे पास ग्रे एंड सो ऑन। सही, अच्छा अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस पर क्लिक करूँ तो मुझे डाटा लेवल भी शो करवा दे, मैं क्या करूँगा, डाटा लेवल पे जब मैंने टिक किया तो वो मुझे अब सब कुछ बताएगा कि 75 वाला कौन सा है, 90 वाला कौन सा है, ये 88 वाला कौन सा है, येलो वाला है ये, तो उसने मुझे सारी चीज़ें करके दिखा दी। अच्छा तो ये हो गया हमारे चार्ट। अब आप चार्ट पे और किसी तरीके से भी अप्लाई करना चाहते हैं, किसी और तरीके से बार्स के फॉर्म में चाहते हैं तो बार्स के फॉर्म में भी आ सकता है ये, देखें सही है, तो आप जिस भी तरीके से चाहते हैं आप उस तरीके से आपको आपका आउटपुट मिल सकता है। अच्छा फिर हमारे पास आ जाता है व्हाट इफ एनालिसिस। तो व्हाट इफ एनालिसिस समझना, इसके लिए पूरा एक पूरा फॉर्मूला यूज करेंगे हम, एक पूरा सिनेरियो यूज करेंगे, और उसके बाद उस पर पहले मैं आपको वो फॉर्मूला पूरा कंप्लीट समझाऊंगा, और उसके बाद में उस पर व्हाट इफ एनालिसिस अप्लाई करूंगा। तो सबसे पहले मैंने कहा कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ शूज पेयर जो है वो कितने, मतलब हमारे जो वेयर हाउस में टोटल शूज जो रखे हुए हैं वो कितने, पेयर ऑफ शूज जो रखे हैं वो रखे 1000। सही है, और हमें हमारी जो परसेंटेज काउंट है हाईएस्ट प्राइस ऑफ शूज की, जाहिर सी बात है दो तरह के शूज होते हैं हर कंपनी में, एक अच्छी क्वालिटी का शूज होगा और एक बुरी क्वालिटी का शूज होगा, तो ये हाईएस्ट प्राइस अच्छी क्वालिटी के शूज होंगे और लोएस्ट प्राइस मतलब बुरी क्वालिटी के शूज होंगे। तो ये कह रहे हैं कि ऐसे कितने शूज हैं जो हाईएस्ट प्राइस वाले हैं, मतलब ऐसे कितने शूज हैं जो अच्छी क्वालिटी वाले हैं, वो है 80%। अब ये याद रहे कि ये 80% है, सही है, तो ये 80 कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है, 80% बताया हुआ। अब हमें परसेंटेज से उसको नॉर्मल डाटा में लेके आना है, सही है, उसको होल नंबर्स में लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, हमने देखा कि भाई टोटल नंबर ऑफ शूज विद हाईएस्ट प्राइस, सही, तो टोटल नंबर ऑफ शूज हाईएस्ट प्राइस के लिए कितने होंगे, वो तो है तो 80%, लेकिन हमें 80% से बाहर आना है, तो हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, 1000 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 80 से और डिवाइडेड बाय 100। तो मैंने देखा यही यहाँ पे यही लिखा हुआ है, इस वाले सेल को मतलब जो J3 है हमारा उसको मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया M3 से, तो और उसको डिवाइड करवा दिया 100 से, सही है, तो ये हमारे पास दे देगा
कि आपके पास 800 ऐसे पेयर ऑफ शूज हैं जिनकी प्राइस हाईएस्ट है, मतलब जो अच्छी क्वालिटी के, और 200 के लिए हम क्या करेंगे, 200 के लिए मैं 1000 को सिंपल 800 से अगर माइनस करवा दूंगा, तो रिमेनिंग जितने भी शूज हमारे पास हुए वो कौन से होंगे, जिनकी लोएस्ट प्राइस है, मतलब जिनकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी नहीं है, सही है। या फिर मैं ये भी करवा सकता हूँ कि 1000 मल्टीप्लाई बाय 20% डिवाइडेड बाय 100, तो दोनों तरीके से 200 ही आएगा हमारे पास, तो मैंने माइनस करके परफॉर्म किया हुआ, सही है। अगर मैं इसको परसेंटेज के हिसाब से करूँ, 1000 मल्टीप्लाई बाय कितना, 20% ये ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 100, सही, तो तब भी हमारे पास 200 ही आएगा, सही। अच्छा, आसानी के लिए कि फॉर्मूला ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो, तो हम यही रखते हैं, 1000 माइनस 800, तो तब भी 200 ही आया हमारे पास। अच्छा, अब क्या करेंगे हम, अब मैंने डिफाइन कर दी कि हाईएस्ट प्राइस, जैसे ये हाईएस्ट प्राइस वाले शूज, मतलब जिनकी क्वालिटी अच्छी है 800, उनके सिंगल पेयर ऑफ शूज की प्राइस कितनी है, $85। मतलब हम 800 की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक सिंगल पेयर ऑफ शूज की अगर बात करें तो उसकी सिर्फ अकेले की प्राइस कितनी है, $85 है, सही है। और सिमिलरली बुरे क्वालिटी वाले पेयर ऑफ शूज की बात करें तो उसकी सिंगल पेयर ऑफ शूज की प्राइस कितनी है, $45। जाहिर सी बात है उनकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी नहीं है तो उनकी प्राइस कम होगी। अच्छा, ये दोनों हम मैंने अपनी तरफ से वैल्यूज डिफाइन करी है। अच्छा, इन पे कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये सब क्लियर है। अब हमें अगर टोटल प्रॉफिट फाइंड करना है, सही है, कि हमें टोटल प्रॉफिट कितना होगा या फिर हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, इस वाली वैल्यू को जो ये सिंगल पेयर ऑफ शूज़ वाली है ना, क्योंकि ये सिंगल पेयर ऑफ शूज़ के लिए, तो 800 पेयर ऑफ शूज़ के लिए निकालना है, तो क्या करेंगे, $85 मल्टीप्लाई बाय 800, सही है। सिमिलरली लोएस्ट, मतलब जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, वो वाले शूज़ के लिए भी क्या है, सिंगल पेयर ऑफ शूज़ की क्या प्राइस है, 45, सही है। तो 200 के लिए क्या करेंगे, 45 मल्टीप्लाई बाय 200, इन दोनों को फिर ऐड करवा लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया और इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया, फिर दोनों को ऐड करा दिया, तो हमारे पास ये फॉर्मूला बनकर आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया, बीच में प्लस आया, इसको इससे मल्टीप्लाई कराया, और ये हमारे पास ये आया। अच्छा, अब ये तो मैंने सारे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, और तो अब हम अप्लाई करेंगे इस पे व्हाट इफ एनालिसिस। अब मेन चीज आती है, व्हाट इफ एनालिसिस हमारे पास एक पूरा सिनेरियो क्रिएट कर देता है। सिनेरियो क्रिएट मतलब आपके पास एक पूरी शीट बना के दे देगा, कि बिल टाइप शीट नहीं होती जिसके अंदर वैल्यूज चेंज हो रही होती है। मैं अगर बोलूँ कि ये वाली वैल्यू जो है 80% वाली वैल्यू, ये बार बार चेंज हो रही है, तो ये कैसे बनता है। ऐड के ऑप्शन पे गया, मैंने सिनेरियो का कोई नाम रखा, नाम क्या, परसेंटेज काउंट हाईएस्ट प्राइस, सही। अच्छा, मैं इधर डिफाइन कर देता हूँ कि कितना परसेंटेज है। अभी हमने 80 रखा हुआ है, तो मैं फॉर एग्जांपल 90 रखता हूँ, 90% काउंट ऑफ हाईएस्ट प्राइस। अच्छा, तो और हाँ, चेंजिंग सेल कौन सा होगा हमारा, ये वाला होना चाहिए जो चेंज होगा से ऐसे। तो मैंने जब इस पर क्लिक किया तो मैं इसको रिमूव करूंगा और ये वाला ऐड कर दिया, सही, ये वाला ऐड कर दिया हमने और ओके कर दिया। जब ओके किया तो वो कह रहा है वैल्यू डिफाइन करो, ये तो हमने अभी जो डिफाइन किया वो सिर्फ नेम है, वैल्यू डिफाइन करने के लिए क्या रखेंगे, मैंने 90 रखा था ना, तो यहाँ पे भी वैल्यू जा रहा है, मैं 90 रखूँगा। ओके किया मैंने, उसी तरीके से एक और वैल्यू ऐड कर लेते, 90 रखी, अब 70 रख लेते, सही। तो 70% ऑफ हाईएस्ट प्राइस, ये भी M3 है, सही है, जेन्युइन सेल, कोई मसला नहीं है। ओके किया, इसकी वैल्यू 70 हो जाएगी, एंटर किया, तो हमारे पास ये दो वैल्यूज आ गई। अच्छा, मैं जब इस पर डबल क्लिक करूँ तो
तो यहाँ पे M3 पे मेरे पास डाटा चेंज होना चाहिए। क्या वैल्यू रखी थी इसके अंदर हमने, 90 रखी थी, तो 90 होना चाहिए, देखो 90 हो गई, सही है। और ये चेंज हुआ तो जाहिर सी बात है ये भी चेंज होंगे और उसके हिसाब से ये भी चेंज होगा। सिमिलरली मैंने इस पर डबल क्लिक किया तो ये भी 70 हो गई, 70 भी वैल्यू चेंज हो गई और सही है। तो मैंने डाटा तो ऐड करा दिया, अब मुझे एक शीट की फॉर्म में आंसर चाहिए। मैं जाऊंगा समरी पे, समरी पे जाने के बाद सिनेरियो समरी पे जाऊंगा और मैं उसको फाइनल वो बताऊंगा, फाइनल सेल कौन सा मेरा जिसमें मुझे आंसर चाहिए। ये सही, तो मैंने ओके किया और वो मुझे एक शीट में उसने मुझे आंसर बता दिया कि आपने 90 रखी थी, 90 पे आपको 81,000 का प्रॉफिट हुआ और आपने जो हाईएस्ट प्राइस 70 रखी थी जब, तो उस पे आपको 73,000 का प्रॉफिट हुआ। तो ये था हमारा व्हाट इफ एनालिसिस। व्हाट इफ एनालिसिस आपको फॉर एग्जांपल पिवट टेबल की शक्ल में आपको आंसर चाहिए, तो आप क्या करेंगे? शीट पे गया, सिनेरियो समरी पे गया, समरी पे गया, मैंने सिनेरियो समरी पे नहीं बल्कि सिनेरियो पिवट टेबल पे क्लिक किया और ओके कर दिया। जैसे ओके किया तो उसने मुझे पिवट टेबल की फॉर्म में आंसर शो करा दिया। ये सबको क्लियर है, ये व्हाट इफ एनालिसिस हमारा यहाँ पे कवर हो गया। इस तरीके से हमें एनालिसिस टूल पैक परफॉर्म करना है। एनालिसिस टूल पैक के लिए हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं स्क्रीन पे छोटा कर देता हूँ। एनालिसिस टूल पैक के लिए क्या करेंगे, हम फाइल पे जाएंगे, फाइल पे जाने के बाद हम ऑप्शंस में जाएंगे, ऑप्शंस में जाने के बाद मैं एडिंस पे क्लिक करूंगा, एडिंस पे क्लिक करने के बाद मैं एनालिसिस टूल पैक पे सिंगल क्लिक करूंगा। सिंगल क्लिक मैंने जैसे किया, मैं गो पे जाऊंगा और गो पे अगर ये सबका चेक इन नहीं हुआ हुआ तो आपको चेक इन करना है, सही है। अगर ये यूं हुआ हुआ है तो आपको चेक इन करना है यूं करके और ओके करना है। जैसे ही आप ओके करोगे तो यहाँ पे डाटा एनालिसिस लिखा हुआ आएगा, ये मेरा पहले से चेक इन हुआ था इसलिए डाटा एनालिसिस पहले से लिखा हुआ आ रहा था। अगर किसी का चेक इन नहीं हुआ हुआ होगा तो डाटा एनालिसिस लिखा हुआ नहीं आएगा। जैसे ही मैं डाटा एनालिसिस पे क्लिक करूंगा तो वो मुझे सारे फॉर्मूले प्रोवाइड करता है, सही है। वो मुझे कोरिलेशन दे रहा है, कोवेरियंस दे रहा है, हिस्टोग्राम दे रहा है, फूरियर एनालिसिस दे रहा है, ये सारे फॉर्मूले हैं जो थोड़े आगे के फॉर्मूले हैं, सैम्पलिंग रिग्रेशन इस टाइप के फॉर्मूले हैं जो जिनके सॉल्यूशंस बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो इन पे आप क्लिक करेंगे और आपके पास अगर इससे रिलेटेड डाटा है तो आप आंसर निकाल सकते हैं इजीली। अच्छा जी, ये हो गया हमारा एनालिसिस टूल पैक। अब हमारे पास बचा है पिवट टेबल, तो पिवट टेबल किस तरीके से परफॉर्म करते हैं वो देख लेते हैं। पिवट टेबल और नॉर्मल टेबल में सबसे बड़ा फर्क यही है कि पिवट टेबल जो है वो फ्लेक्सिबल होते हैं। तो पिवट टेबल को आप अपनी मर्जी से जैसे चाहो वैसे वैसे ढाल सकते हो, सही है। तो अब हम पिवट टेबल क्रिएट करते हैं, ये किस तरीके से हम पिवट टेबल क्रिएट करते हैं। पिवट टेबल में गए, हम इंसर्ट के टैब में गए, पिवट टेबल में गए, जब हमने पिवट टेबल पे क्लिक किया तो वो कह रहा है कि आपको कोई रेंज देनी पड़ेगी, सही है। तो आप उसमें रेंज डिफाइन कर सकते हो आराम से, जैसे पूरी रेंज आपने डिफाइन कर दी। जब ये पूरी रेंज आपने डिफाइन कर दी तो आप बताओगे कि अपनी वर्कशीट में पिवट टेबल क्रिएट कर दिया जाए। वो क्या जैसे ही करेंगे तो हमारे पास ये सारे वो जो जितने भी हमारे पास डेटा था, वो डेटा जो था हमारे पास, मैं डेटा दिखा देता हूँ। ये डेटा देखें, ये डेटा सबसे पहले एनालाइज कर लेते हैं क्योंकि हम डेटा एनालिसिस ही पढ़ रहे हैं। सबसे पहले डेटा एनालाइज कर लेते हैं कि जैसे हमारे पास हर प्रोडक्ट की अलग अलग आईडी डिफाइंड है और हर प्रोडक्ट डिफाइंड है, सही है। बनाना है, बीन्स है, एप्पल है, टोमेटो है, सही है। उनके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें बता दिया गया है कि कौन से प्रोडक्ट ऐसी हैं जो फ्रूट है और कौन सी प्रोडक्ट ऐसी हैं जो वेजिटेबल्स हैं। फिर उनके कॉरेस्पॉन्डिंग उनकी अमाउंट्स लिखी हुई है, सही है, और उनके कंट्री भी लिखे हुए हैं कि फ्रूट बनाना जो है उसकी अमाउंट कितनी है, 1002, और वो है किधर, यूएसए की, यूएसए में, सही है। उसी तरीके से बीन्स वेजिटेबल है और इसकी अमाउंट है 2100 और ये है कनाडा के अंदर। तो इस तरीके से हमारे पास ये पूरा टेबल दिया। अब हम क्या करेंगे, पिवट टेबल में गए,
अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कैटेगरीज हैं, पहले उन कैटेगरीज के अंदर प्रोडक्ट डिफाइन हो और फिर रिस्पॉन्डिंग उनके कंट्रीज आ जाएँ और उनके अंदर वैल्यूज आ जाएँ। वो मैं समझाता हूँ कि मैं किस तरीके से करूँगा। देखिए मैं चाह रहा हूँ कि सबसे पहले कैटेगरीज डिफाइन, तो कैटेगरीज को उठा के मैंने रॉ में काटा दिया। तो उस तरीके से मेरे पास फ्रूट और दो तरह की कैटेगरी, फ्रूट और वेजिटेबल्स, तो फ्रूट और वेजिटेबल्स आ गए। अच्छा फिर मैं चाह रहा हूँ कि इन फ्रूट और वेजिटेबल्स के अंदर उनकी अपनी अपनी प्रोडक्ट्स आ जाएँ। तो मैं क्या किया, मैं प्रोडक्ट पे गया, प्रोडक्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैंने रॉज में पुट कर दिया। जैसे ही मैंने रॉज में पुट किया तो ये हमारे पास वेजिटेबल की अपनी प्रोडक्ट्स और फ्रूट की अपनी प्रोडक्ट्स यहाँ पे क्रिएट हो गई। अच्छा जी फिर मैं चाह रहा हूँ कि कंट्री जो है वो कॉलम में इस तरफ शो हो जाए, क्योंकि देखिए टेबल कॉम्प्लेक्स हो जाता है अगर आप वर्टिकल वे में प्रोसीड करते जाएंगे, एक्सपेंड करते जाएंगे अपने डेटा को। तो डेटा अगर वर्टिकली एक्सपेंड हो रहा है तो आपको डेटा पढ़ने में मुश्किल होगी। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कंट्री को उठा के कॉलम में डाल देता हूँ। तो इस तरीके से मेरे पास यहाँ पे सारे कंट्री शो हो गए, सही है। अब मैं क्या करूँगा, बस एक अमाउंट रहता है, उस अमाउंट को मैं उठा के वैल्यूज के ग्रुप में डाल दूंगा। अच्छा ये वैल्यूज क्या है, अब आप फॉर एग्जाम्पल कोई भी है, ऑर्डर आई डी है, प्रोडक्ट है, कैटेगरी कुछ भी है, आप उसको उठा के अगर वैल्यूज के इधर डालोगे ना तो वो उनको एज अ वैल्यू ही सपोज करेगा। मतलब इधर प्रोडक्ट में जैसे टैक्स लिखा हुआ है ना, तो टैक्स को उठा के अगर मैं वैल्यू में डालूंगा तो वो उसको एज अ वैल्यू सपोज करेगा, वो कोई टैक्स नहीं सपोज करेगा, कोई नंबर सपोज करेगा उसको, सही है। तो इस वजह से हम ज़्यादातर क्या करते हैं, उसी जो हमारे पास नंबर्ड लिस्ट होती है उसी को उठा के हम वैल्यूज में डालते हैं, सही है। फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास ये क्रिएट हो गया, उसने बता दिया कि फ्रूट हमारे पास दो कैटेगरीज हैं, उनके अंदर अपनी अपनी प्रोडक्ट्स डिफाइन हुई हुई हैं और यहाँ पे हमारे पास सारी कंट्रीज डिफाइन हुई हैं, बांग्लादेश, कैनेडा, ये सब, सही है। बांग्लादेश में पाइनएप्पल खाने वाले 1000 हैं, तो उस तरीके से 1000 यहाँ पे आ गए, सही है। इन सब का टोटल क्रिएट हो गया, यहाँ आ गया इस तरीके, सही है। तो ये होता है हमारा पिवट टेबल। अब पिवट टेबल ये तो आपने खुद जनरेट किया है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ के रिकमेंडेड पिवट टेबल में क्या सकता हूँ, मैं इंसर्ट के टेबल में या इंसर्ट के टैब में जाऊँगा और रिकमेंडेड पिवट टेबल्स में जाऊँगा। वो कह रहा है पहले टेबल रेंज डिफाइन करो, मैंने टेबल की रेंज डिफाइन कर दी और ओके कर लिया। तो ये देखें उसने रिकमेंडेड पिवट टेबल्स शो करा दी है, सही है। इसमें अब आपको बनाने की कुछ ज़रूरत नहीं, जैसे अभी हमने पहले बनाया था तो उसमें बनाने की कुछ ज़रूरत नहीं है पिवट टेबल, इसमें आपको पहले से शो होंगे। जैसे ये आ रहा है आपके पास, सही कि हमारे पास जो रॉ है, रॉ के अंदर कंट्रीज आ रहे हैं और कॉलम के अंदर हमारे पास ऑर्डर आईडी आ रही है। तो ये था हमारे पास पिवट टेबल। पिवट टेबल के अलावा बचा हमारे पास सिक्योरिटी ऑफ डेटा। तो डेटा सिक्योरिटी देख लेते हैं कि डेटा को किस तरीके से सिक्योर किया जाए, सही है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस ये मेरी पूरी शीट जैसे है ना, इस शीट में मैं कोई दूसरा यूज़र आए तो वो उसके अंदर कोई चेंजेस ना कर सके। जैसे मैं अगर इस पर जाके राइट क्लिक करता हूँ तो मैं इसमें सेल इंसर्ट कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, फॉर्मेट कर सकता हूँ, ये सब कुछ कर सकता हूँ, सही। तो मैंने क्या किया, इस शीट पर राइट क्लिक किया, सही है। राइट क्लिक करने के बाद मैं प्रोटेक्ट शीट पर गया और प्रोटेक्ट शीट के अंदर मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं जो यूज़र कर सकता है, जिन पर सिर्फ चेक इन हुआ है वो कोई दूसरा यूज़र आके वो सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकता है हमारी शीट के अंदर। फॉर एग्जांपल सिलेक्ट लॉक्ड सेल्स, लॉक्ड सेल्स को सिलेक्ट कर सकता है और अनलॉक सेल्स को भी सिलेक्ट कर सकता है, सिर्फ सिलेक्ट कर सकता है, उनके अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकता, सही है। तो हम पासवर्ड डाल देते हैं, यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा सबसे पहले। पासवर्ड डाला तो पासवर्ड को कन्फर्म भी करना है, पासवर्ड को कंफर्म किया। अब आप इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकते, जैसे ये फ्रूट है, इसमें मैं डबल क्लिक करूंगा इसको एडिटिंग करने के लिए तो वो मुझे इजाज़त नहीं देगा, ये देखिए मुझे एरर शो करवा दिया, सही है। सिमिलरली मैंने इस पर राइट क्लिक किया तो वो जो पहले ऑप्शन आ रहे थे वो सारे ऑप्शन भी नहीं आ रहे। क्लियर कंटेंट पे किया तो उसने मुझे तब भी एरर ही शो करवाया, सही है। तो इस तरीके से आप अपनी शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी एक तरीके होते हैं, जैसे फाइल में गया, इन्फो में गए, इन्फो में आप प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करेंगे, इनक्रिप्ट विद पासवर्ड करेंगे,
वो पासवर्ड मुझे शो करवाएगा, मेरी इस मेरे डॉक्यूमेंट में पहले से पासवर्ड लगा हुआ है, तो इस वजह से पहले से लिखा है पासवर्ड लगा हुआ है, तो मैंने पासवर्ड लगाया यहाँ पे, अगर नहीं लगा हुआ तो आपको वापस से लिखना पड़ेगा। ओके किया, सही है, तो आपकी आपकी जो शीट है वो प्रोटेक्ट हो जाएगी आपको आपसे पासवर्ड मांगने के बाद। फिर जब आप इसको शीट को कैंसिल करोगे और वापस से ओपन करोगे तो वो आपसे पासवर्ड मांगेगा पहले, उसके बाद अपनी शीट के सारे कंटेंट्स शो करवाएगा। तो ये थी हमारे पास डेटा सिक्योरिटी इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आज हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो फिनिश हो गया। इसके अलावा आपको अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कोई भी क्वेश्चन पूछने हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन पे, क्वेश्चन नहीं तो आप मुझे अगर कोई चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे बोल सकते हैं कि सर इस वीडियो पे इस टॉपिक पे वीडियो क्रिएट कर दें। ये मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और जो कर सकते हैं वो करते हैं।